कंट्रोवर्सी कर रहा था पोछी, सो पोछी का हम लोग अभी हम लोग बाहर भेज दिए पोछी को, हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, ठीक है। कौन सा मूवी अभी हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जाके उधर बुक करेंगे, जो भी मिल जाएगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है मुझे। हो ना हो मूवी से मतलब नहीं, मूवी कौन सा वो मतलब नहीं, हम लोग मूवी से मतलब, ठीक है। और हम लोग दिल्ली पहुंच गए, सो दिल्ली जब पहुंच ही गए, और जब हम लोग हॉल मूवी देखने के पहले, आइए आप लोग को दिखाते हैं एक मामा अर्थ का नया प्रोडक्ट। सो गाइज, आज हम आपको मामा अर्थ के नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। ये प्रोडक्ट का नाम है मामा अर्थ रूट्स ऑफ रेडियंस एसेंस सीरम, ठीक है। और ये बना है मेन, इसमें जो पदार्थ यूज किए गए हैं वो है अश्वगंधा और टर्मरिक। सो गाइज, ये नया सीरम बहुत क्विक एब्जॉर्बिंग भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको एक्चुअल ड्रॉप ऑफ नेचर भी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है आइए दिखाते हैं। सो गाइज, ये देखिए कितना प्यारा सा बॉटल है, इसको आप कैसे लगाते हैं। तो गाइस, इसका लगाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको पहले आप अपने फेस को वॉश करना है, फिर उसके ऊपर 3 या 4 ड्रॉप एसेंस सीरम लगाना है अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, हल्के हाथों से अपने फेस को मसाज करना है। यहाँ पे की इंग्रेडिएंट्स है अश्वगंधा, हाइलुरोनिक एसिड, टर्मरिक एंड मलबेरी। जैसे कि आपको पता है अश्वगंधा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपके स्किन को ब्राइट होने पे बहुत हेल्प करता है, प्लस इट रिड्यूस योर डार्क स्पॉट्स, और हाइलुरोनिक एसिड जो आपके स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड मलबेरी है जो इट इवन आउट योर स्किन टोन एंड रिड्यूसेस पिगमेंटेशन। और गाइस, ये आता है 4। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्किन थोड़ा सा ग्लो करने लग रहा है। चलिए, लेकिन एक बात बताना है कि एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट ऑफ द ट्री डेटा प्लान। बाय 2025 मामाअर्थ प्लान कर रहा है 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। और अगर आपको मामाअर्थ का प्रोडक्ट खरीदना है, आप खरीद सकते हैं अमेजोन, नाइका या फ्लिपकार्ट से। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, आप यूज कर सकते हैं मर्सी 2022, लेकिन ओनली ऑन मामाअर्थ के ऑफिशियल वेब पेज में या मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप में, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए, अभी हम जाते हैं, अभी निकलते हैं और देखते हैं आज मूवी कैसा लगता है। पोछी और गोल्डी भाई वेट कर। हेलो व्लॉग, वेलकम टू द गाइस, वेलकम वेलकम। तो क्या लग रहा है आज हम लोग कौन सा मूवी देखने वाले हैं? बहुत दिन के बाद गाइस अभी दिल्ली आ रहे हैं, अभी एक्चुअली हम लोग अभी 1-2 दिन है दिल्ली में, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने गेमिंग हाउस, तो थोड़ा व्लॉग रेगुलर आया करेगा, बड़े बड़े लोगों को दिखाएंगे। गाइस, PVR डायरेक्टर्स कट। हम लोग का सीट देखो, इधर गोल्डिया बैठे हैं, इधर पोछी बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायरेक्टर्स कट कहाँ पहुँच गया बताओ तुम लोग? वी आर इन हयात मानसर। और क्यों आया इधर? क्योंकि यहाँ इवेंट है किसी का, हाँ, और हम लोग इवेंट में नहीं आए, हम लोग अलग से चिल करना है। गाइस, हम लोग इवेंट पे नहीं आए, हम लोग दूसरा वाला कंपनी में है, पैसा का कमी नहीं है अपने को। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हयात पे। एक दिन में हम लोग 2-3 5-स्टार होटल में ऐसे ही मतलब थोड़ा रिव्यू करने के लिए आए हैं, ठीक है। अब देख लो इधर में रूम कैसा कैसा है। ये वाला स्वीट मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा, लेकिन ये अच्छे से ऑर्गेनाइज है। गोल्डी भाई इधर बैठे हैं, ये है, और कोई बेल भी मारा है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। सही है, ठीक है, ओवरऑल इज गुड। ओ, ये वो कपड़ा रखने वाला है, और इधर मेकअप वाला रूम, इधर से व्यू अच्छा है, वहाँ से भी अच्छा है। वहाँ से मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उधर से अपना इंडियन फ्लैग दिख रहा था, प्लस ट्रैफिक दिल्ली के। ऐसे देखो, आज हिस्ट्री में पहली बार स्नैक्स रेफरी है, मावी वर्सेस काउंटर। सही, सही जा रहा है, करो, एवरीथिंग इज गुड गुड, ठीक है। ओ ओ, दोनों हार नहीं मान रहे कैसे, लेकिन हस रहे, लेकिन मावी हंस रहा है, मावी स्काउट भी हंस रहा है, स्काउट भी हंस रहा है, लेकिन टेक्निकली मतलब मावी को एडवांटेज है, क्योंकि उसका हाथ बड़ा है ना गाइस, क्या कर सकते हैं। अगर जान की बात भी हो, नहीं नहीं बोलो, इसका हाथ हाथ हाँ है, उसका ग्रिप अच्छा भी है, बहुत बड़ा है, पंजा है ना इसका बड़ा। देखो मावी हराना क्या कर रहा है, वे हो गया इतना ले रहा है लाला, छोड़ दो, एक मिनट खुद छोड़ देगा, पेशेंस पूरा पेशेंस, ये खुद ज्यादा ताकत है यार, तो ये भी एग्जिस्ट होगा ना। नहीं नहीं, अरे मेरा तू ये कर ऐसा ऐसा कर रहा है ना यार, ऐसे कहां कर, अरे तू मावी अपना आईजीएल वाला दिमाग लगा रहा है। लेकिन मावी का लेकिन हाथ का तभी पावर कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। तो स्काउट ने बहुत होल्ड, स्काउट ने कमबैक किया, तो लग गया कहां लग, अरे नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, हां उसका ये उठ गया वे, ऐसे ये ऐसे उठ गया,
स्नैक्स के हाथ में 10 किलो का सोना है, साले पसीना है तेरे हाथ में, पिसल रहा है। क्या करके आया हुई? रेडी रेडी पोछी, तो कैसा लगा तुमको एक्सपीरियंस बताओ, कल जब तुम बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में गए थे। हम तो गए नहीं, ये बड़े लोग गए बड़े लोगों के बीच में। आप बताओ करने तो इसको भी बोला था ब्लॉग, लेकिन इससे हुआ नहीं। क्या कुछ किया हो तुम, क्या कहते बताया एक्सपीरियंस वहाँ का। तो गाइस हम लोग का मर्सिडीज आ गया है अभी हम लोग पहुँच गए मुंबई। अभी हम लोग मुंबई का आदमी है। और गाइस हम लोग आ चुके हैं कहाँ बता भाई? जेमिंग हाउस। जेमिंग हाउस, वेलकम टू गेमिंग हाउस मर्सी। थैंक यू। और एक भगोड़ा जो भाग गया था एयरपोर्ट से पकड़ के लाया दिल्ली के एयरपोर्ट से। और गाइस वी आर बैक टू पोचिंकी। पोचिंकी में ये वाला बिस्तर हट गया है, बहुत आराम हो चुका है अभी पोचिंकी में, पूरा फैसिलिटी मिल रहा है। मेरे को मिस किया कि नहीं? किया। कैसे मिस किया? मिला जैसे आया ऐसे तुरंत मिला कि नहीं? आपका थोड़ा सा दांत लेके नशे कदमों में दुनिया कर रहे हो क्या? मैं रजनीगंधा। और गाइस इधर भी हमारा बर्थडे बॉय जो कि आज अभी लेट हो गए उठ के। कल कहाँ पे पार्टी करने गया था? गए थे दो जगह। तो तेरा ब्लॉग कब आ रहा है? मेरा उसका तो व्लॉग है, बट आज भी जा रहे हैं, आज डिनर है, डिनर का प्लान है आज। डिनर का प्लान है, कहाँ है? आज जाएंगे देखते हैं। यही तो बातें याद आएगी गाइस। ये देखो गाइस, अब दो ट्रॉफी एक्स्ट्रा, ये क्या है भाई? वो दो का भाई? अच्छा वार में ने भी ट्रॉफी दिया है वो। ठीक है ट्रॉफी आ रहा है, तो टेंशन नहीं है। और ज़्यादा ये लंबा ब्लॉग नहीं है, छोटा सा ब्लॉग करें, क्यूट ब्लॉग। स्क्रिप्टेड न्यूज़ भी शूट करेंगे, NBJTV शूट करेंगे, स्ट्रीम करेंगे, चिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग कुछ और होने वाला है, एक चीज़ के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इधर में क्योंकि ब्लॉगर आ गया है तो सब लोग का गांड फट गया। अभी सब लोग देखो कैमरा लेके मर्सी को दिखा रहे हैं। बाय बाय गाइस, टाटा सी। ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, नए ब्लॉग में मिलते हैं।